रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिमला में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर राजगढ़ में आज विभिन्न संगठनों ने विरोध रैली निकाली, जिसमें लोगों ने जमकर नारेबाजी करके अपना रोष प्रकट किया। राजगढ़ हिंदू समाज विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों ने मिलकर शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के विरुद्ध शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस की ओर से बल प्रयोग करने के विरोध में आज एक रैली का आयोजन किया। एसडीएम राजगढ़ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा गया। लोगों ने यहां शहर में विरोध रैली निकालते हुए हिंदू एकता जिंदाबाद, अवैध मस्जिद को गिराना होगा, गद्दार हिंदुओं शर्म करो, अनिरुद्ध सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे नारे लगाई। इस रैली में लोगों में काफी रोष देखने को मिला। राजगढ़ से हमारे संवाददाता जीडी शर्मा की रिपोर्ट। इकट्ठा होकर यहाँ पर एसडीएम महोदय के कार्यालय में आए हैं और कुछ मांगे हमारी हैं, जो पूरे प्रदेश के हिंदुओं की मांग है, उसको एक मांग पत्र के रूप में लेकर हम यहाँ आए हैं। एसडीएम साहब थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, उनको हम ये ज्ञापन देंगे और अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। सबसे प्रमुख मांग हमारी जो है, जैसा कि हमने देखा कि शिमला संजौली में पिछले कल परसों पिछले एक हफ्ते से क्या हो रहा है, सुनियोजित ढंग से बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको एक इकोसिस्टम के तहत यहाँ पर सेटल किया जा रहा है, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं और एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो जनसंख्या का ढांचा है, उसको बिगाड़ा जा सके, तो उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज का जो ये कुचक्र है, ये षड्यंत्र है, इसको रोका जाना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश में स्वीकार्य नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों में चिकन नेक बनाने की योजना है, यानी कि उसको एक तरह से बंद किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या वहां पर बढ़ा के। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये सब चीजें यहां पर बंद होनी चाहिए। डेमोग्राफी बदलने का जो षड्यंत्र है, ये बंद होना चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारे राजगढ़ क्षेत्र में भी और पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले एक दो साल से फेरी वाले जो हैं, अवैध फेरी वाले, उनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। ये लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। इनके अगर आप आधार कार्ड चेक करेंगे तो सभी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी है। तो मैं प्रशासन से भी पूछना चाहूंगा कि ये कैसे संभव है कि हजारों लाखों लोग 1 जनवरी को ही पैदा हुए हैं। तो इसका कारण ये है कि जो दस्तावेज उनको लेके भेजा जा रहा है वो फर्जी दस्तावेज है और उसका कारण यही है कि किसी तरह से यहाँ की नागरिकता प्राप्त करके, यहाँ के नागरिक बनके यहाँ की डेमोग्राफी बदली जाए। तो ये जो फेरी वाले हैं, मैं पुलिस से भी और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी सख्ती इन पर रखें ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो, यहाँ के जो अपराध है, यहाँ का जो अपराधी गतिविधियां है, उसमें वृद्धि ना हो सके। ये भी मैं माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हम सब ये मांग रखते हैं। इसके बाद हमारा मुद्दा है 118 जो धारा है, आर्टिकल 118 हिमाचल प्रदेश में लगाया गया था, डॉक्टर परमार ने लगाया था ताकि यहाँ की जो जमीनें हैं वो बाहर के लोग ना ले सके, भोले भाले हिमाचलियों के हितों के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। 118 हम सबके इमोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आज क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पर 118 का जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और हिमाचल की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड के जितने भी कब्जे में जमीन है, हमारे राजगढ़ में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में, उसकी जांच होनी चाहिए और उन कब्जों को मुक्त कराया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर वक्फ बोर्ड के कब्जों का कोई काम नहीं है। 118 धारा लगाई इसलिए गई थी ताकि हमारी जमीनें सुरक्षित रहे, ताकि हमारा जो छोटा किसान है, मध्यवर्गीय किसान है, वो सुरक्षित रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पे सरकारी जमीनों पे भी और निजी जमीनों पे भी कब्जे किए जा रहे हैं। कल को आपकी जमीन पे कागज में वक्फ बोर्ड का कब्जा दिखा दिया जाएगा, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, ये इतना खतरनाक कानून है। तो वक्फ बोर्ड के कब्जे में कितनी जमीनें पूरे हिमाचल में है, यहाँ राजगढ़ में है, उसकी जांच हो और अगर है तो उसको मुक्त कराया जाए। कि संजौली में क्या, अभी तो पूरे हिमाचल में क्या हो रहा है, पिछले दिनों चंबा में भी एक घटना हुई थी, जिस तरह से बर्बरता पूर्वक ये लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, उसके लिए आज हिंदू समाज एकजुट हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप यहां प्रस्ताव लेके आए सरकार के समक्ष, जो आपने मांगे रखी है एसडीएम साहब के महोदय के को देंगे और उनके माध्यम से हम इसे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रश्न एक है कि ये ढांचा जो तैयार हुआ है संजौली में, ये कोई 1-2 दिन में तैयार नहीं हुआ, ये पिछले 10 या 15 साल में तैयार हुआ है, तो इससे पिछली सरकारों ने क्या किया?
ये तो अनिरुद्ध सिंह जी ने आवाज उठाई, मैं उस सदन से पूछना चाहता हूँ विधानसभा में किसने बात रखी, वहां पे पटल पे किसने बात रखी? सिर्फ अनिरुद्ध सिंह ने बात रखी है कि ये ढांचा गैर कानूनी है, अवैध है और इसको गिराया जाना चाहिए। बाकी मैं 67 विधायकों से पूछता हूँ किसने बात रखी है वहां पे, किसने इनकी बात का समर्थन किया? हालांकि राष्ट्रवाद के नाम पे हम वोट तो ले लेते हैं, हमारे जो दूसरे दल हैं वो राष्ट्रवाद का नारा लगा के वोट ले लेते हैं, परंतु जब इस तरह की वारदातें होती है तो वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। तो मेरा निवेदन है उन विधायकों से, उन माननीयों से, कि आप भी देखें जो गलत है उसका विरोध करना सीखें, गलत को गलत और सही को सही बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। इस विषय में हमारे विक्रमादित्य सिंह ने भी एक बयान जारी किया है कि अगर अवैध होगा तो 100% हम उसको गिराएंगे। हम विक्रमादित्य जी का भी समर्थन करते हैं कि वो हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा रखते हैं। और मैं याद भी देखता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत से गतिविधियां होती है, कई लोग फेरी वाले आते हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। अभी पिछले दिनों भी अभी साधु संत भी आते हैं यहाँ पे भेरूपिये बन के, और उनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होती है, मतलब एक एक में ही पैदा हुए हैं सारे। ये तो एक बहुत बड़ा सहयोग है कि सारे जो बाहर से आते हैं वो एक एक तारीख को ही पैदा होते हैं और यहाँ आके वो फिर लोगों को ठगने का काम करते हैं। इवन मुझे एक फेसबुक के माध्यम से पता चला कि लोग आए हैं और उन्होंने मुफ्त में चीजें दे दी और वहां से वो मोबाइल नंबर वगैरह उनका ले गए, एड्रेस ले गए कि जी हम कोई बात नहीं, हमारे को पैसे मत दो पर हम कर लेंगे। पर इस तरह से वो आपका सारा डाटा ले रहे हैं और इस तरह से आने वाले समय में हमें दिखते पैसा आएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सक्रिय होकर अपने अपने क्षेत्रों में ध्यान दें और माननीयों से निवेदन है कि वो भी इस विषय को संजीदगी से ले और आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो हिमाचल में। इसलिए आप सभी का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।